डीबीटी का क्या मतलब है, बैंक में डीबीटी का मतलब क्या होता है, आखिर डीबीटी क्या है, आपके मन में ये सारे कन्फ्यूजन गूंज रहे होंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको डीबीटी के अंदर कंप्लीट जानकारी बता देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके मन में डीबीटी के रिगार्डिंग नहीं हो। तो उसके लिए गूगल के सर्च बार में आएंगे, टाइप करेंगे ऑनलाइन स्विथ वन, भी आपको लिखना है, पहला वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सर्च बार मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करेंगे डीबीटी और आपको यहाँ पे सर्च करना है, पहला जो पोस्ट यहाँ पे आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे समझना है डीबीटी क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो पहले समझिए डीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कहते हैं। ठीक है, शुरुआत है 2016 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसका फायदा क्या है पहले वो समझते हैं। तो इसका फायदा क्या है, जैसे कि समझिए इंदिरा आवास का पैसा हो गया, किसान का जो भी सरकारी लाभ मिलता है उसका पैसा हो गया, या फिर विद्यार्थी का जो भी स्कॉलरशिप मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलता है उसका पैसा हो गया। ठीक है, ये सारे जो पैसे हैं पहले क्या होता था, सरकार डायरेक्ट जो भी लाभार्थी हैं उनके खाते में नहीं भेज के जो भी ऑफिसर होते हैं बीच में उनके माध्यम से वो रुपया भेजा जाता है। अगर मान लीजिए इंदिरा आवास का पैसा 2 लाख रुपया मिल रहा है तो 2 लाख सरकार रुपया वहाँ पे जारी करता था, लेकिन जो भी उससे नीचे के ऑफिसर होते हैं वो रुपया आते आते घट जाता था। ठीक है, लाभार्थी को उतना रुपया नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से डीबीटी आया है तब से क्या हुआ कि जो भी पैसा होता है सरकारी लाभ का, अगर 20,000 सरकारी लाभ का पैसा है तो डायरेक्ट सरकार के माध्यम से जो भी लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में 20,000 ट्रांसफर किया जाता है। तो यही होता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको कहते हैं। आप समझ गए कि डीबीटी का क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ठीक है, नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे रही कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके खाते से डीबीटी लिंक है या फिर नहीं है, वो भी मैं आपको आगे में वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं कि आप अगर डीबीटी लिंक करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट से तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डीबीटी चालू कैसे करें 2024। ठीक है, तो इस पेज को आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी, तो आप इजीली अपने बैंक खाते से डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बात रहे कि अगर आप डीबीटी लिंक करवाए हैं या फिर नहीं करवाए हैं, तो पहले आपको ये पता करना है कि आपके खाते से डीबीटी लिंक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे चेक डीबीटी यहाँ पे लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप मोबाइल से भी ये सारा काम कर सकते हैं, और जिनका भी आपको चेक करना है उनका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन हुए तो ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उनके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखाता हूं, अभी लोडिंग यहां पे ले रहा है। तो बैंक सिटिंग स्टेटस का यहां पे ऑप्शन मिलता है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से यहां पे इंटरफेस आता है। यहां पे देखते हैं बैंक नेम, तो किस बैंक से मेरा डीबीटी लिंक है, बैंक सिटिंग स्टेटस यहां पे एक्टिव दिखा रहा है और कब एक्टिव हुआ डेट भी आप यहां पे देख सकते हैं, और आधार का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको शो कर रहा है एक्टिव तो मान लीजिए आपका खाता आधार कार्ड से सीड है, अगर नहीं एक्टिव शो कर रहा है, इनएक्टिव शो कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो को देखने के लिए, आप इस वीडियो को देखिए और अपने बैंक में जाके अपने खाते को डीबीटी से लिंक करवाइए, ताकि जो भी आपका सरकारी लाभ का पैसा हुआ वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी इस वीडियो को भी देख के आप पता कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो कन्फ्यूजन था डीबीटी के रिगार्डिंग, डीबीटी क्या होता है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके नुकसान हैं, वो आपके मन में दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए होगी जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उसके बाद चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।